नमस्कार। 2022 के चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 39 जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ने की योजना बना रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इस बार जाति विभाजन व्यापक रूप से खुला है, जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। वहीं भाजपा राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए अपने पत्ते खेल रही है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार योगी आदित्यनाथ प्रशासन राज्य की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में 39 जातियों को जोड़ने की योजना बना रही है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को एक सिफारिश देगा। आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी ने इस बात की पुष्टि की है। विशेष रूप से संघीय सरकार संसद में एक विधेयक अधिनियम करने के लिए काम कर रही है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार को बहाल करेगी। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि वह संविधान 170 का संशोधन विधेयक 2021 के पक्ष में मतदान करेगा। ये 39 जातियां वैश्य हैं, जायस्थर, राजपूत, रुहैलिया, भटिया, अगदेरी, दोस्तर, मुस्लिम शाह, मुस्लिम कायस्थ, हिंदू कायस्थ, कोच, क्षेत्रीय राजपूत, दोहर, अयोध्यावासी वैश्य, बरवाल, कमलापुरी वैश्य, केसरवानी वैश्य, बगवा, भट्ट, उमर बनिया, मोहर वैश्य, हिंदू भाट, गोरिया, बाट, पवारिया, उमरिया, नोवाना और मुस्लिम भट्ट। आयोग खार, राजपूत, पोरवाल, पुरवर, कुंदर, खारडी, बिनोदिया वैश्य जैसी जातियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण भी करेगा। मान्य वैश्य, गुलेरिया वैश्य, गढ़ाया, राथेड़ी और पिथावाज। अध्यक्ष के अनुसार जाति जनगणना की गतिविधि प्रतिनिधित्व के आधार पर की जा रही है। 24 जातियों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है और अगले दिनों 39 जातियों में से 15 जातियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही एक निश्चित सूची तैयार की जाएगी। हालांकि भाजपा सरकार उन्हें ओबीसी सूची में शामिल करना या ना करना उन्हीं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जो ओबीसी समूह में आते हैं उन्हें सरकारी नौकरियां, कॉलेज में प्रवेश में विशेष लाभ होता है। नई जातियों को शामिल करने का निर्णय विधानसभा चुनाव के लिए एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है, लेकिन इससे आरक्षित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में ही घोषणा की थी कि NET में OBC को 27% आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार के नवीनतम कैबिनेट विस्तार के दौरान जाति कार्ड भी सुरक्षित रूप से खेला गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।